हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना नेहरू। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आप ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो ब्राउजर है उसे ओपन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे तो आपको इसमें जो है फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में आपको जो है इसका जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसमें आपको जो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसे आपको यूज करना होगा। आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो नेट बैंकिंग का जो लॉगिन पेज है उसे इसमें आपको आना होगा। तो जैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लॉगिन पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं दो तरह का अकाउंट है, पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग और उसके बाद कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। मान के चलिए आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन कर सकते हैं। और मान के चलिए आपका अगर करेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो है करेंट इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ तो ये जो है पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग पर हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप पर्सनल लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा और इस पेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे से आइकॉन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लीज क्लिक हियर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो ये इंटरनेट बैंकिंग का जो लॉगिन पेज है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये लॉगिन पेज में हम आ चुके हैं और यहाँ से हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। अगर हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके अपने अकाउंट में हम लॉगिन कर सकते हैं और इसी पेज में हम इंटरनेट बैंकिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लॉगिन पेज है इसी लॉगिन पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पासवर्ड, ठीक है। तो हमें इस ऑनलाइन पासवर्ड पे क्लिक करके हम अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ऑनलाइन पासवर्ड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इस पेज में हमसे यूजर आईडी मांगा जा रहा है और हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यूज़र आईडी मांग के चलिए अभी हमारे पास तो है नहीं और मोबाइल नंबर हमको पता है कि हमारे अकाउंट में जो है हमारा कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन यूज़र आईडी में पता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूज़र आईडी क्या होता है। बैंक से जो आपको मिलता है तो सिर्फ आपको यूज़र आईडी मिलता है और लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये आपको खुद अपने से ही आपको ऑनलाइन आपको एक्टिवेट करना होगा, जनरेट करना होगा आपको, ठीक है। बैंक आपको सिर्फ यूज़र आईडी ही देगा और यूज़र आईडी आपका जो होता है वो सीआईएफ नंबर ही होगा आपका जो यूज़र आईडी, ठीक है, जो कि आपके पासबुक में होगा या आपने बैंक से लिया होगा। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपका जो सीआईएफ नंबर है इससे पहले आपको अपना शाखा जाना होगा, अपने बैंक जाना होगा, अपने बैंक में जाकर के आपको वहाँ पे बताना होगा, एक एप्लीकेशन आपको भर के देना होगा इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए। तो वो आपका जो सीआईएफ नंबर को जो है वो अपनी ओर से अप्रूव कर देंगे, उसे एक्टिवेट कर देंगे। जब तक वो सीआईएफ नंबर को अपनी ओर से वो वैलिड नहीं कर देंगे तब तक आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर में आपको सीआईएफ नंबर डालना है जो आपके पासबुक में होगा, ठीक है, वो सीआईएफ नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको कंट्री कोड डालना है। तो कंट्री कोड जैसे मान के चलिए इंडिया का कंट्री कोड है +91, उसी तरह आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का कंट्री कोड होगा, वो कंट्री कोड पहले आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना जो 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद जनरेट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे जनरेट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा ओटीपी, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपको फिर से दोबारा आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन अपना जो है लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इतना करके आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से आदमी परेशान हो जाते हैं, अपना सीआईएफ नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ पे लिखता है एक मैसेज आएगा। अभी आप देखिएगा जैसे हम जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा इसमें और उस मैसेज का क्या कारण है तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। और इसके आगे आपको कैसे एक्टिवेट करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर तो बिल्कुल आपको हर हाल में करना ही है इस वीडियो को।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जनरेट बटन पर क्लिक कर दिया है अपना जो CIF नंबर मोबाइल नंबर डाल करके, उसके बाद आप यहाँ पे एक मैसेज देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि 101 यूजर आईडी डज नॉट एक्साइड प्लीज इंटर करेक्ट यूजर आईडी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो CIF नंबर है वो वैलिड नहीं है, यानी बैंक इसको अभी तक अनुमति नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें बैंक दोबारा जाना है और अपने CIF नंबर को जो है अपडेट करवाना है। ठीक है, जब CIF नंबर आपका जो है बैंक अपनी ओर से अप्रूव कर देगा तो ठीक है, आप जो नेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे तो आपको इसी तरह मोबाइल नंबर डालना है और अपना जो है CIF नंबर डालना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आपको, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ और ठीक है बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिख रहा है स्टेप वन, कस्टमर विल गो टू दी लॉगिन पेज एंड सेलेक्ट ऑनलाइन पासवर्ड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऑनलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने नेट बैंकिंग को, तो आप जो है अपने लॉगिन पेज पर जाएं, उस लॉगिन पेज पर ही जो है वो फैसिलिटी है इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए, ऑनलाइन पासवर्ड को जनरेट करने के लिए, आप उस पेज पर जाएं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो लॉगिन पेज है, तो इसी लॉगिन पेज पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है और अपने नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए, तो आपको ऑनलाइन पासवर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप टू में ये लिखा है कि कस्टमर हैज टू इंटर द वैलिड CIF नंबर एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन जनरेट बटन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको जो CIF नंबर ही यूजर आईडी होता है, ठीक है, तो उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी बता रहा है ये। ठीक है, तो आपको CIF नंबर ही डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना CIF नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है और जनरेट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। ठीक है, तो जैसे आप अपना CIF नंबर और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपको लिखेगा उसी पेज में कि योर नेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड इज जनरेट एंड सेंट टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। यानी ये आपके मोबाइल पर एक OTP भेज रहा है, उस OTP को आपको दोबारा यहाँ पर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपके मोबाइल पर जो वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा तो वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो वन टाइम पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 8 डिजिट का लॉगिन पासवर्ड बनाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, और वही पासवर्ड आपको फिर दोबारा डाल देना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर, तो 8 डिजिट का, और ये पासवर्ड जो आप बनाएंगे तो अपना नाम और नंबर और कुछ स्पेशल नंबर मिला करके आपको बनाना है। ठीक है, कुल मिला करके 8 डिजिट का। ठीक है, ये 8 डिजिट का जो पासवर्ड बनाना है, इसमें आपको ध्यान रखना है खासतौर पे। ठीक है, कि आपको नाम और नंबर, कुछ स्पेशल नंबर, आपको स्टार या डॉलर या हज का निशान, जैसे कुछ भी एक आपको स्पेशल नंबर इसमें मिक्स करके आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, उसके नीचे सबमिट लिखा है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये लिखेगा आपको कि योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली। ठीक है, तो और उसके बाद आपको ये कह रहा है कि आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, आप इस पासवर्ड से और CIF नंबर से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। और इस पेज में लास्ट में कंटिन्यू का बटन है, आप इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। और जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको जो है अपना जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो कि पैसे भेजने काम आता है, उस पासवर्ड को आपको जनरेट करना है। ठीक है, दोस्तों आपको अपना यूजर आईडी और जो है अपना जो लॉगिन पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, उस पासवर्ड से आपको अपने अकाउंट में पहले लॉगिन करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो इस लॉगिन अकाउंट में जो है यहाँ पे एक साइट में जो है आप देख सकते हैं कि
ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर है इसी पेज में, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट, ठीक है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर इस पेज में आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेज है इस तरह का पेज आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस पेज में जो है आपको फिर से अपना जो है CIF नंबर डालना है, यानी यूज़र आईडी डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो CIF नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके जैसे आप इसमें यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं कि जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो जनरेट पर जैसे आप क्लिक करेंगे अपना CIF नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके, तो फिर से ही आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपको फिर से आपको दोबारा यहाँ पर इंटर करना है दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में दोस्तों फिर से आपको अपना जो वन टाइम पासवर्ड जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर गया होगा उसे देख करके आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में डालना है। उसके बाद नीचे में जो है दूसरे नंबर पे आपको जो है अपना जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है, नया बनाना है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि लॉगिन पासवर्ड आपने बनाया था 8 डिजिट का, तो उसी तरह आपको 8 डिजिट का यहाँ पे भी बनाना है, लेकिन उसी तरह से आपको अपना नाम और नंबर कुछ स्पेशल नंबर मिलाकर आपको बनाना है मिक्स करके, ठीक है। और वही 8 डिजिट का फिर आपको नीचे में डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और इतना ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप ये जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएंगे तो जो आपने पहले लॉगिन पासवर्ड बनाया था उन दोनों में बिल्कुल अंतर होना चाहिए, दोनों नंबर जो है बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, 8 डिजिट का दोनों हो लेकिन सेम ना हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है बिल्कुल सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और इसे आपको अपने डायरी में लिख लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।